बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल फिल्म इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं। आज भी फैंस उनकी फिल्में और उनकी एक्टिंग के दीवाने हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत करने वाली सिमी का फेवरेट कलर व्हाइट रहा है। उन्हें अक्सर सफेद कपड़ों में ही देखा जाता है, लेकिन उनकी रंगीन जिंदगी हमेशा विवादास्पद रही है। प्रोफेशनल लाइफ में तो सिमी ग्रेवाल खूब सफल रही, लेकिन पर्सनल लाइफ में उन्हें हमेशा हार मिली। 6 अफेयर्स और शादी के बावजूद सिमी जिंदगी में अकेली रह गईं और आज भी एक तन्हा जीवन बिता रही हैं। तो आखिरकार सिमी ग्रेवाल अकेली कैसे रह गईं? क्यों आज भी वो तन्हाई में जीवन बिता रही हैं? आइए जानते हैं। सिमी ग्रेवाल का जन्म 17 अक्टूबर साल 1947 को दिल्ली में एक फौजी परिवार में हुआ था और उनके पिता इंडियन आर्मी में ब्रिगेडियर थे। इनके माँ का नाम दार्शी था, जो कि अपने दौर में हॉट एंड बोल्ड लेडी मानी जाती थी। सिमी इंग्लैंड में पली बढ़ी और अपनी बहन अमृता के साथ न्यूलैंड हाउस स्कूल में पढ़ाई की। सिमी ने 5 साल की उम्र में राज कपूर की फिल्म आवारा देखी, जिसे देखने के बाद ही सिमी के अंदर एक्टिंग को लेकर एक जुनून सा छा गया। दिल्ली में मुंबई आने तक का इनका सफर भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। सिमी ग्रेवाल को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, लेकिन उनके घर वाले चाहते थे कि वो पहले खूब पढ़ लिख लें। इसी वजह से सिमी को इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजा गया था। कहते हैं कि फिल्मों में काम करने से पहले सिमी को बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। दरअसल सिमी के घर वाले उनको फिल्मों में आने के खिलाफ थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो घर वालों की मनाने के लिए सिमी ने भूख हड़ताल तक कर दी थी, जिसके बाद उनके पिता ने इसके लिए हामी भर दी और महज 15 साल की उम्र में सिमी दिल्ली से मुंबई आ गईं। सिमी राज कपूर से काफी ज्यादा प्रभावित थीं और उनके साथ फिल्में करना चाहती थीं। क्योंकि सिमी इंग्लैंड में पली बड़ी थीं, इसलिए उनका इंग्लिश बोलने का लहजा भारतीय अभिनेत्रियों से काफी बेहतर था। इसका ये फायदा हुआ कि मुंबई में इन्हें एक इंग्लिश फिल्म मिल गई, जिसका नाम था टार्जन गोज टू इंडिया। फिल्म भले ही इंग्लिश थी, लेकिन सिमी की खूबसूरती फिल्मकारों की नजर में आ गई, जिसके चलते इन्हें हिंदी फिल्में भी मिलने लगी। सिमी की फिल्मों की गाड़ी तो चलना शुरू हो गई थी, लेकिन ये सभी फिल्में बी ग्रेड फिल्में थीं। इसी बीच इनका सबसे बड़ा सपना साकार हुआ। इन्हें सबसे बड़ा ब्रेक मिला मेरा नाम जोकर में फिल्म काम करके। ये फिल्म राज कपूर की ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म थी और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा नाम जोकर में सिमी को मिस मैरी के रोल में ऐसे ही मिल गया था। इसके लिए भी उन्होंने खूब पापड़ बेले थे। सिमी ने किसी से राज कपूर का नंबर लेकर उन्हें फोन किया था और उनसे बात की थी। फिर राज कपूर ने उन्हें एक दिन चर्च गेट पर मिलने बुलाया, जहां सिमी अपने द्वारा लिखी गई कविता और एक गुलाब का फूल लेकर पहुंची, ताकि वो राज कपूर को इम्प्रेस कर सके। इस मुलाकात के कुछ दिनों के बाद सिमी को राज कपूर का फोन आया और उन्होंने सिमी को साइन किया। इस फिल्म में सिमी का मिस मैरी का किरदार खूब फेमस हुआ, लेकिन राज साहब ने इस फिल्म में सिमी से न सिर्फ अंग प्रदर्शन करवाया, बल्कि उस दौर का सबसे बोल्ड सीन भी करवा डाला। सिमी के इस तरह बोल्ड अंदाज में दिखना कोई अटपटी बात नहीं थी, क्योंकि उनका बचपन इंग्लैंड में गुजरा था। इस फिल्म के बाद सिमी को कई और फिल्मों में बोल्ड किरदार मिले, जिन्हें सिमी ने बड़ी खूबसूरती के साथ बड़े पर्दे पर पेश किया। बात करें सिमी की निजी जीवन की, तो ये उतनी ही बोल्ड और बेबाक रही जितनी की उनकी प्रोफेशनल लाइफ। बात करें अगर इनके लव अफेयर्स की, तो इनका नाम कभी राज कपूर के साथ जुड़ा तो कभी मनमोहन देसाई के साथ। कहा जाता है कि उस दौर की कई मैगजीन ने राज कपूर और उनके अफेयर की खबरें छापी, जिसकी खूब चर्चा हुई। हालांकि इनमें कितनी सच्चाई है वो कहना मुश्किल है, लेकिन राज कपूर का नाम उनकी को एक्ट्रेस के साथ जुड़ता ही रहता था। साल 1991 में सिमी का नाम मनमोहन देसाई के साथ तब जुड़ा जब वह उनकी फिल्म नसीब में कैमियो रोल में नजर आई, और उसके बाद कई मौकों पर मनमोहन देसाई के साथ घूमती दिखाई दी। वहीं अगर सिमी के सीरियस रिलेशनशिप के बारे में बात करें, तो एक बार सिमी ग्रेवाल ने अपने शो में ही अपनी जिंदगी के कुछ गहरे राज अपने फैंस के साथ शेयर किए थे। सादे लिबास में दिखने वाली सिमी के रंगीन जीवन में दस्तक देने वाले पहले शख्स थे जामनगर के प्रसिद्ध महाराजा फिल्म फेयर के एक अवार्ड शो के दौरान दिए गए एक इंटरव्यू में सिमी ने बताया था कि 17 साल की उम्र में उन्हें जामनगर के एक प्रसिद्ध महाराजा से प्यार हो गया था। जाहिर तौर पर उन दिनों दोनों पड़ोसी थे। सिमी ने अपने अफेयर के बारे में खुलासा किया, जहां उन्होंने बताया कि महाराजा के
के साथ उनका अफेयर 3 साल तक चला। हालांकि ये टिक नहीं सका, किन्हीं कारणों से दोनों ने एक दूसरे से जुदा हो गए। इसके बाद सिमी गरेवाल की लाइफ में आए भारतीय क्रिकेटर नवाब पटौदी। सिमी गरेवाल और मंसूर अली खान पटौदी के प्यार के चर्चे बॉलीवुड गलियारों से लेकर हर जगह होने लगे थे। दोनों ने एक दूसरे के प्यार में इतना सीरियस थे कि दोनों ज्यादातर वक्त साथ ही बिताते थे। कहा जाता है कि पटौदी भी इस रिश्ते को लेकर काफी सीरियस थे और अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने सिमी को अपने परिवार से मिलवाने का फैसला भी कर लिया था। लेकिन इसी बीच मंसूर अली खान की मुलाकात बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री शर्मिला टैगोर से हो गई और धीरे धीरे मंसूर और सिमी के रास्ते अलग हो गए। इसके बाद सिमी की जिंदगी में वो शख्स आए जो इनके जीवन साथी बने। साल 1970 में सिमी ने रवि मोहन नाम के एक शख्स से शादी कर ली जो दिल्ली स्थित चुन्नमल परिवार से ताल्लुक रखते थे। लेकिन इनकी शादीशुदा जिंदगी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी और महज 3 साल के बाद दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगे और फिर साल 1979 में डाइवोर्स ले लिया। 1980 की शुरुआत में सिमी का नाम जुड़ा पाकिस्तान के बिजनेसमैन सलमान तासीर के साथ। आगे चलकर सलमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गवर्नर भी बने, लेकिन इस रिश्ते को कोई नाम ना मिल सका और दोनों अलग हो गए। बता दें कि सिमी का नाम बिजनेसमैन रतन टाटा के साथ भी जुड़ चुका है। सिमी गरेवाल ने एक इंटरव्यू में रतन टाटा और अपने प्यार को लेकर खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि वे रतन टाटा को डेट करती थी। दोनों का काफी लंबा कनेक्शन रहा। रतन टाटा की तारीफ करते हुए सिमी ने कहा था कि मेरा और टाटा का लंबा रिश्ता रहा है, वो एकदम परफेक्ट है और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे लेकिन किसी वजह से बात नहीं बन पाई। तो दोस्तों, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि सिमी को अपनी जिंदगी में ऐसा प्यार नसीब नहीं हुआ जो इनका साथ निभा सके। इसलिए सिमी आज भी अकेली हैं और तन्हाई में जिंदगी बिता रही हैं। तो दोस्तों, सिमी गरेवाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और दिलचस्प बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।